हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे कि अपने वेबसाइट के लिए, अपने वेबसाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए डीएमसीए कैसे क्रिएट करना है। तो आज हम डीएमसीए क्रिएट करेंगे और डीएमसीए के बारे में क्या है, डीएमसीए क्या करता है वेबसाइट के लिए, तो आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं। तो डीएमसीए क्या होता है? डीएमसीए आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है और किसी भी चीज से बचाता है और आपकी वेबसाइट को एक जो कि पूरे सिक्योर करता है। तो उसके लिए डीएमसीए हम क्रिएट करेंगे। तो डीएमसीए के लिए क्या कोई चार्ज है? तो नहीं, डीएमसीए आप फ्री में क्रिएट कर सकते हैं और सिंपली आप ऑनलाइन अपने फोन से, अपने लैपटॉप से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या क्यूरी है कि हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करने, हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले आपकी ईमेल आईडी जरूरी है, उसके बाद आपका जो वेबसाइट का नाम आपको देगा कंपनी शो करेगा, तो कंपनी के जगह पर हम वेबसाइट का नाम जो है उसका नाम मेंशन करेंगे। और उसके बाद वेबसाइट का नाम मेंशन करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो कि आगे क्या प्रोसेस है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम अभिषेक और आपका स्वागत है ट्रिकी टेक में। तो जिन्होंने ट्रिकी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम चलते हैं गूगल की तरफ। तो आज हम जानने वाले हैं कि अपने वेबसाइट का डीएमसी कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे DMCA, ठीक है। तो DMCA आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम आपको DMCA जैसे होता है, आपका जो वेबसाइट का एक होता है सिक्योर होता है, आपको वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है, किसी चीज़ से बचाता है, ठीक है। तो DMCA इसीलिए हम यूज करते हैं। अगर हम DMCA के बारे में अगर जानना चाहें तो एक वेबसाइट है सरकारी.in। तो जैसे आपने देखा होगा इसने जो कि अपनी वेबसाइट पर DMCA क्रिएट किया हुआ है और जो कि यहाँ पे DMCA देखिए, DMCA प्रोटेक्ट, कि ये वेबसाइट DMCA प्रोटेक्ट है और पूरे सेफ है, ठीक है। तो इसके लिए DMCA क्रिएट किया जाता है। DMCA क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, मैं पूरे अच्छे से डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम अभिषेक और आपका स्वागत है ट्रिकी टेक में। तो जिन्होंने अपने ट्रिकी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मेरा क्या है, DMCA प्रोटेक्ट जो कि क्रिएट करना है, अपने वेबसाइट के लिए बनाना है, तो रजिस्टर फॉर फ्री पे क्लिक करना है, जो कि आपको एक भी रुपए कॉस्ट नहीं देने हैं, ठीक है। अगर आपके पास पहले से लॉग ईमेल आईडी है, आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं तब तो बढ़िया है, अगर नहीं किए हैं तो हम शुरू से अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी का नाम, किस अपने जो कंपनी यानी जो वेबसाइट का नाम है उसमें हम कंपनी का नाम मेंशन करेंगे और ईमेल आईडी डालने के बाद आई एम गुड विथ क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम फॉर्म को फिलअप करते हैं। इसके बाद हमें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखिए ऑलरेडी गॉट, फिर यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए, थैंक्स फॉर साइनिंग अप, योर लॉगिन डिटेल्स हैव बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज चेक योर ईमेल एंड लॉगिन इन विद दिस क्रेडिटस, ठीक है। तो आपके पास एक मेल गया होगा, आपको इस मेल पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमें भी एक मेल आया है, आपको हम मेल दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास हेलो अभिषेक और मेरा जो DMCA है यहाँ पे जो कि मेल आ चुका है, वेरीफाई स्टेटस और वेबसाइट रिपोर्ट पेज सेटअप प्रोटेक्ट साइट लिस्ट पेज, और यहाँ पे आपका जो कि आया है, ठीक है। आगे क्या करना है, जो कि इसके जो DMCA का जो आपको आईडी तो ईमेल आईडी रहेगा एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उस पासवर्ड को वहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे हम आपको दिखाते हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये मेरा पासवर्ड है जो कि केस सेंसिटिव है, और यही ऐसे भी आपको तीसरे लाइन में आपको पासवर्ड शो होगा, तो ऐसे ही आपको पासवर्ड डालकर मेंशन करना है और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए हम पासवर्ड को डालते हैं। तो फिर हम लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने वाले यहाँ पे ईमेल,
आपका जो ईमेल है यहाँ पे ईमेल डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद रिमेंबर मी और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी मेंशन कर दिया है, फिर हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। एरर लॉगिन इज प्लीज चेक योर डिटेल्स एंड ट्राई अगेन, कुछ एरर। तो फिर लॉगिन पे को आप फिर हम क्लिक करेंगे, जो कि आपको सही तरीके से पासवर्ड एंड ईमेल आईडी फिल करना है। फिल करने के बाद आपका जो कि पासवर्ड अब देखिए आपका जो कि टीएमसी जो कि क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अपलोड प्लस प्रोटेक्ट, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करने हैं तो आपका आगे सोशल अकाउंट जो कि है यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो आपका सोशल अकाउंट क्या है, आप यहाँ पे अपलोड में मान लीजिए ब्लॉगर है, जो भी है आपकी वेबसाइट है, तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा ब्लॉगर पे है, तो ब्लॉगर हम क्लिक करेंगे, ब्लॉगर पोस्ट लिंक। तो मान लीजिए मेरा www.apmission.in, ठीक है। और फिर ब्लॉगर डिटेल्स में डाल सकते हैं, ब्लॉगर डिस्क्रिप्शन और डीएमसी और अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका क्या, फिर हम आते हैं वेबसाइट पे। मान लीजिए आपका वेबसाइट है, तो अपने यहाँ जो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट डिटेल्स डालेंगे, वेबसाइट और का आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो फिर हम यहाँ पे जो कि मेरा मान लीजिए, या तो आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, मान लीजिए एडमिशन है मेरा, तो ऐसे हम क्लिक करेंगे एप, मान लीजिए जो मेरा एडमिशन है यह है, इसे हम ऐसे करके सेलेक्ट एंड कॉपी। और फिर हम यहाँ पे आके लिंक पेस्ट करेंगे, वेबसाइट डिटेल्स में डालेंगे, बस एडमिशन ही लिख देंगे, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि किस चीज़ पे आपका नीश है, क्या क्या आप इसके बारे में बताते हैं, तो वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लिख देते हैं एडुकेशन, ठीक है। और अपना जो सिग्नेचर है सिग्नेचर कर सकते हैं, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद आपको क्या करना है, फिर देखिए जो डिफ़ॉल्ट में है डीएमसी ग्लोबल डीएमसी, तो आप डीएमसी जो कि यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं जो अभी आने वाले हैं, तो वेबसाइट के लिए तो है ही है, तो जो कि ग्लोबल पूरे ये ऑल इन जो पूरे भारत के लिए है, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के लिए है, तो ग्लोबल यहाँ पे सर्च हो रहा है, तो हमें डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, ठीक है। फिर हमें आगे चलना है, फिर अपलोड वाले ऑप्शन पे, या तो क्लियर जो सिग्नेचर मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो आप क्लियर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके फिर अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको डीएमसी जो कि आपका सिग्नेचर जो कि अपलोड हो चुका है, ठीक है। एड यहाँ पे फिर क्लिक करना है, एड टू प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है, और ये मेरा एक सेकेंड, तो जो कि मेरे वेबसाइट का जो कि डीएमसी क्रिएट हो चुका है। तो फिर हम क्या करेंगे जी, एक और लिंक है, इस लिंक को एडिट दिस लिंक पेज पोस्ट एंड सोशल मीडिया,
तो हम इस लिंक को क्या करेंगे कॉपी करने के बाद, और देखिए जो कि मेरा जो कि यही डीएमसी है, जो कि मेरा वेबसाइट का लिंक है, जो कि सर्टिफिकेट पूरा अच्छे से वेरीफाई हो चुका है। तो ऐसे आप अपने वेबसाइट का डीएमसीए क्रिएट कर सकते हैं और फिर आप इसे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके इसे आप पेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। कैसे इसे अपने ब्लॉगर में या वर्डप्रेस में कैसे इसे कॉपी पेस्ट करना है, कैसे टीएमसी को शो कराना है, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में इसे आपको बनाकर आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ट्रिकी टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ट्रिकी टेक को बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।